cars of Rahul and Priyanka Gandhi were stopped at the Yamuna Expressway by authorities after they left Delhi on October 1st. However, Congress leaders have proceeded on foot to meet with the family members of the Hathras gang rape victim. They were stopped after the district magistrate imposed prohibitory orders under Section 144 of the CRPC. The order sealing of the district borders was supposedly done to maintain peace. A large number of Congress workers have gathered there along with the Congress leaders, and traffic has been disrupted in the area. Congress leader Randeep Surjewala is also seen accompanying the two leaders. और ये जो है डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ने पुलिस जो है यहाँ पर लाठी भी जो है कहीं ना कहीं चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके लाठी चलाते हुए यहाँ से ले जाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी आगे रोका जा रहा है, कोशिश कर रही है और लेकिन फिर भी वो हाथ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस उनको जो है वो रोक रही है और यहाँ पर देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में और जो है पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं हाथापाई हो रही है। जो रवैया उस पर आप कुछ कहेंगे मैम, जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया? देखिए हम पे लाठी चार्ज वगैरह सब ठीक है, हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करें करने दें, लेकिन इनका व्यवहार जो उस पीड़िता के परिवार के साथ रहा है वो शर्मनाक है। और ऐसा अन्याय हमने देखा नहीं है कि जो हिंदू धर्म के रखवाले अपने आप को कहते हैं, जो सरकार हर छोटी चीज पर धर्म का नाम लेती है, उस सरकार ने एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने नहीं दिया। ये अन्याय है और ये व्यवहार है उनका उत्तर प्रदेश के वासियों के साथ। मैम कहा जा रहा है कि हाथरस की जो बेटी है उसको दो बार मौत हुई, एक बार दरिंदों ने मौत दी, दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने मौत दी, उससे क्या कहेंगे? मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल सही कहा। योगी सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे? जब जब ऐसा हादसा होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार को पीड़िता को पूरी तरह से सहायता दे, उनकी सपोर्ट करे, उनके लिए न्याय दिलवाए। उसके बजाय उल्टा उन्होंने उसका एकदम विपरीत किया। एक एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा।